हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बैंकिंग नगरी। दिस इज़ वैभव सैनी, एम असिस्टेंट मैनेजर इन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। और मुझे SBI में अराउंड 2.5 ईयर्स हो चुके हैं एज एन असिस्टेंट मैनेजर। और एक कॉमन क्वेरी जो स्टूडेंट्स की साइड से मुझे आ रही है वो है प्रीलिम्स को लेके। उनका डाउट रहता है कि प्रीलिम्स में उनकी प्रिपरेशन है बट अटेम्प्ट नहीं कर पा रहे हैं, या अटेम्प्ट करते हैं 80-90 तो फिर एक्यूरेसी नहीं बन रही है। तो देखो, प्रीलिम्स में ना एक गेम है, वो है स्पीड का और टाइम का। उन्हें कुछ फ़र्क नहीं पड़ता जो एग्जामिनर हैं कि आपको आता है कि नहीं आता। अगर आप स्पीड के साथ अटेम्प्ट कर पा रहे हैं तो प्रीलिम्स क्लियर है, अदरवाइज नहीं। क्योंकि जो कंटेंट होता है ना प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन का, वो बहुत डूएबल लेवल का होता है। आपको केवल स्ट्रेटेजी बना के ये पता होना चाहिए कि क्या अटेम्प्ट करना है और क्या छोड़ना है, और क्या पहले अटेम्प्ट करना है और क्या बाद में अटेम्प्ट करना है। तो एक शॉर्ट वीडियो बना रहा हूँ, अराउंड 5 मिनट्स की रहेगी। इसमें मैं ये बताऊँगा कि सेक्शन वाइज रीजनिंग में, क्वांट्स में और इंग्लिश में क्या आपका सीक्वेंस होना चाहिए क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने का, किन क्वेश्चन को बाद में अटेम्प्ट करना होता है और किस टाइप के क्वेश्चन को स्किप करना होता है। ठीक है, मैं अपना बताऊं, जब मैं प्रीलिम्स देता था तो मेरी स्ट्रेटेजी रहती थी कि मुझे रीजनिंग में 35 out of 35 नहीं करने, मुझे 35 में से 30 भी हो गए मेरे लिए इनफ है। क्वांट्स में आउट ऑफ 35 मेरा अराउंड रहता था कि मेरे 27 26 27 हो जाए या 25 हो जाए, इतने में मैं सेटिस्फाई हो जाता था। इंग्लिश में 30 आउट ऑफ मुझे अराउंड 27-28 करने होते थे क्योंकि मेरी इंग्लिश अच्छी है। देखो, रीजनिंग से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो बिगनर्स हैं उनके लिए आपको सिलॉगिज्म, ब्लड रिलेशन, इनइक्वालिटीज, चाइनीज कोडिंग डिकोडिंग और अल्फा न्यूमरिक सीरीज में आपको एक्सपर्ट बनना है। क्योंकि बिगनर्स की प्रॉब्लम होती है उनसे पजल सॉल्व नहीं होती, तो जो पजल्स के अलावा आपका सेक्शन बचा उसमें आपको पहले एक्सपर्टीज गेन करनी पड़ेगी। ठीक है, अब मान के चलो आपके पास 20 मिनट्स का टाइम स्टार्ट हो गया है और आपका रीजनिंग का सेक्शन है। ठीक है, तो मैं क्या करता था, उस 20 मिनट्स को मैं दो पार्ट में डिवाइड करता था। फर्स्ट 10 मिनट्स में जो भी पजल्स के अलावा आपके एग्जाम में आया है, चाहे वो सिलॉगिज्म है, चाहे इनइक्वालिटीज है, चाइनीज कोडिंग डिकोडिंग, अल्फा न्यूमरिक, ब्लड रिलेशन या कुछ भी डायरेक्शन सेंस, कुछ भी पजल्स के अलावा, वो मुझे स्टार्टिंग के 10 मिनट में अटेम्प्ट करना होता है और 100% अटेम्प्ट करना है, कुछ स्किप नहीं करना। ठीक, पजल्स के अलावा जो आया आपको स्टार्टिंग के 10 मिनट्स में करना है। अब बाद के जो 10 मिनट बचे, मान के चलो 9 से 10 मिनट बचे, उसमें आपके सामने एग्जाम में 4 पजल्स हैं। पजल या सेटिंग को मैं पजल्स ही बोलता हूँ, 4 पजल्स आपके सामने हैं। उन 4 में से मान के चलो आपको 3 अटेम्प्ट करनी है, या अगर 5 पजल्स आपके सामने आ गई हैं, मान लो 4-4 नंबर की, तो आपको 4 अटेम्प्ट करनी है, एक आप स्किप कर सकते हो। अब आपको ये थोड़ा सा जस्टिफाई पहले करना पड़ेगा कि कौन सी वो एक पजल है जो आपको स्किप करनी है। ये आपको कैसे समझ में आएगा, आपको मॉक टेस्ट दे के समझ में आएगा या प्रीवियस ईयर पेपर अटेम्प्ट करके समझ में आएगा कि वो कौन सी एक पजल है, एक कौन सी वो सिटिंग अरेंजमेंट है जो मेरा टाइम वेस्ट कर रही है या जो ज़्यादा टाइम ले रही है, उसको मैं अटेम्प्ट ही नहीं करूँगा। ये आपका हो गया पेपर अटेम्प्ट करने का सीक्वेंस। अब मान के चलो आपने, आपका एग्जाम स्टार्ट हुआ, पहला क्वेश्चन ही पजल्स का आ गया, क्या उसको पहले अटेम्प्ट करोगे? नहीं, उसको बाद के लिए छोड़ना है, सीधा स्किप कर दो। 6ठे क्वेश्चन पे आ जाओ, आपको मिला सिलॉगिज्म के 4 क्वेश्चन, अटेम्प्ट कर लो। फिर ब्लड डिलेशन मिला, अटेम्प्ट कर लो। फिर आपको दोबारा पजल दिख गई, उसको तुरंत स्किप करके आगे बढ़ो, इनइक्वालिटीज करो। फिर आपके पास बचेंगे अराउंड 9-10 मिनट, तब आपको पजल्स करनी है। ये रीजनिंग की सेक्शन हो गया। ठीक है, इसी तरीके से अटेम्प्ट किया करता था मैं। अब बात करते हैं क्वांट्स की। क्वांट्स में बच्चों को प्रॉब्लम होती है अरिथमेटिक से, तो कभी भी अरिथमेटिक आपको स्टार्टिंग में अटेम्प्ट नहीं करनी। ठीक है ना, स्टार्टिंग आपको करनी है सिंप्लीफिकेशन, अप्रोक्सीमेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन और नंबर सीरीज से। ये 4 वो ईजी टॉपिक्स हैं जो मान के चलो अराउंड आपको एग्जाम में ना अराउंड 15 to 16 मार्क्स दे देते हैं, ये 3-4 पोर्शंस। इसके बाद डेटा इंटरप्रिटेशन, DI से नहीं डरना। प्रीलिम्स में बच्चे स्किप करके आ जाते हैं, DI अटेम्प्ट करके आनी है, कुछ नहीं होता, प्लस माइनस एवरेज ही तो निकलवाते हैं यार। तो पहले आपको सिंप्लीफिकेशन, अप्रोक्सीमेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, नंबर सीरीज, ये स्टार्टिंग के, और DI ये मान के चलो मैं अराउंड स्टार्टिंग के 15 मिनट में कर लिया करता था, 15 से 16 मिनट करने में लगते थे। ठीक, अब बचते थे मेरे पास 4 मिनट, उस 4 मिनट में मैं करता था अरिथमेटिक। अरिथमेटिक के अराउंड 12 से 13 क्वेश्चन आपके प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन में आते हैं।
अब उन 12-13 में से मैं अटेम्प्ट करता था 4 या 5, उन 4 मिनट में मैं 4 या 5 ही अटेम्प्ट कर पाता था। और जिनको अरिथमेटिक से डर लगता है ना, उनके लिए मैं टॉपिक्स बता देता हूँ। सबसे पहले बोटेंट स्ट्रीम, डिस्काउंट, एवरेज, पार्टनरशिप, टाइम एंड वर्क, मिक्सचर एलिगेशन, इन टॉपिक्स पे डेफिनेटली आपको क्वेश्चंस मिलेंगे। और आखिरी के 4 मिनट में ना, बस आपको एक काम करना है, क्वेश्चंस को ढूंढना है कि इन टॉपिक्स में से कौन से वो अरिथमेटिक के क्वेश्चंस हैं, और तुरंत अटेम्प्ट करना है। ये हुआ है आपकी क्वांट्स की स्ट्रेटेजी। जिनको अरिथमेटिक से डर लगता है ना, ये उनके लिए है कि एटलीस्ट इतने टॉपिक्स प्रिपेयर कर लो, और अरिथमेटिक को हमेशा एग्जाम के लास्ट में अटेम्प्ट करना है। ये क्वांट्स के लिए हो गया। और ये मत सोच के चलो कि रीजनिंग में 35 में से 35 अटेम्प्ट कर रहे हैं जैसा टॉपर्स बताते हैं। कोई नहीं अटेम्प्ट करता, जो करते हैं वो एक्स्ट्रॉर्डनरी होते हैं। आपको 35 में से मान के चलो 30 अटेम्प्ट करने हैं, और 30 में से 30 में एक्यूरेसी होनी चाहिए आपकी, ठीक है ना? अपने पे कॉन्फिडेंस होना चाहिए। उसके बाद क्वांट्स में अगर आप बात करें, तो 35 में से मान के चलो आप 25 नंबर ही लेके चलो कि आपको 25-26 ही लाने हैं, बस इतना करो, बट विद एक्यूरेसी आपको 26 नंबर लाने हैं, ठीक है ना? जैसे मैंने बताया, इतना भी अगर कर लोगे तो 26 नंबर कहीं नहीं गई, क्योंकि मैं ऐसे ही करता था और मेरे मार्क्स आते थे। इसके बाद बात आती है इंग्लिश की। अब इंग्लिश में क्या है, दो टाइप के स्टूडेंट्स होते हैं। एक है जो इंग्लिश बैकग्राउंड से हैं, CBSE ICSE बोर्ड से हैं, उनकी इंग्लिश ऑटोमेटिकली अच्छी है, बिना ग्रामर के रूल्स पढ़े वो फ्लो फ्लो में कर देते हैं कि हाँ उनको लग रहा है इनमें से ये ऑप्शन सही है, टिक मार दिया और वो सही निकलता है। ऐसा उनके लिए ऐसा इसलिए होता है, सारे सब्जेक्ट्स इंग्लिश में पढ़े हैं, ग्रेजुएशन इंग्लिश में, स्कूलिंग इंग्लिश में, तो उनको ना वो सेंटेंसेस पे दिख जाता है कि हाँ भाई यहाँ पे कुछ गड़बड़ है, यहाँ पे सही है, वो टिक मारते हैं, निकल जाते हैं, ठीक। दूसरे टाइप के स्टूडेंट्स हैं जो दूसरे बोर्ड से हैं, हिंदी मीडियम से हैं, उनको प्रॉब्लम आती है। उनको क्या करना है, सबसे पहले तो निमिषा बंसल मैम की 120 रूल्स याद कर लो, या किसी भी फैकल्टी के ग्रामर के रूल्स याद कर लो, उसके नोट्स बना लो, और एवरी अल्टरनेट डे उसको रिवाइज करो। सेकेंड काम क्या करना है आपको, एरर डिटेक्शन की प्रैक्टिस करनी है डेली बेसिस पर, फिलेट्स की प्रैक्टिस करनी है, आपके सेंटेंस इम्प्रूवमेंट हो गया, पैरा जम्बल्स हो गए, मतलब जो भी टॉपिक्स आते हैं ना आपको डेली बेसिस पे थोड़ा थोड़ा करना है। एक स्पेशल वीडियो मैं बना दूंगा इंग्लिश के लिए, क्योंकि इंग्लिश के लिए काफ़ी क्वेरीज आती है कि इंग्लिश में कैसे आप एक्यूरेसी और आपके मार्क्स इम्प्रूव कर सकते हो, स्पेशली फॉर हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स। अभी मैं बता दूँ कि एग्जाम में क्या करना है। एक तो फोबिया, जैसे रीजनिंग में पजल्स से होता है, क्वांट्स में अरिथमेटिक से होता है, इंग्लिश में बच्चों को फोबिया होता है अनसीन पैसेज से, अटेम्प्ट ही नहीं करके आते, छोड़ आते हैं, वो बहुत बड़ी गलती है। हमेशा इंग्लिश में अनसीन पैसेज आपको लास्ट में अटेम्प्ट करना है, क्योंकि आप नोटिस करोगे जब जब टाइम कम बचेगा ना आपके पास, आपकी जो रीडिंग एबिलिटी है, क्वेश्चन को पढ़ने की स्पीड है, वो ऑटोमेटिकली फास्ट हो जाएगी। आपका माइंड ऑटोमेटिकली ज़्यादा काम करता है जब टाइम कम बचता है, नोटिस कर लेना मॉक टेस्ट देते हुए। तो अनसीन पैसेज हमेशा लास्ट में अटेम्प्ट करना है। स्टार्टिंग आपको करनी है बेसिक टॉपिक्स से, जैसे एरर डिटेक्शन हो गया, आपका सेंटेंस इम्प्रूवमेंट हो गया, फिलर्स हो गया, पैरा जम्बल्स हो गया, ठीक। यहाँ से आपको स्टार्ट करना है, कभी भी रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट या फिर अनसीन पैसेज स्टार्टिंग में अटेम्प्ट नहीं करना, ठीक है। ये इंग्लिश का आपका रहा, बेसिक यहाँ भी यही था कि अनसीन पैसेज लास्ट में करना है। और एक चीज़ और, यार स्किप करते हुए पेपर को आगे बढ़ना होता है, कहीं भी अटक रहे हो तुरंत स्किप करो, क्योंकि आपको नहीं पता कि क्या पता 34 या 35 नंबर पे जो क्वेश्चन दे रखा है रीजनिंग या क्वांट्स में, क्या पता बहुत इजी हो, जो स्टार्टिंग में दे रखा है बहुत डिफिकल्ट हो। सेम इन इंग्लिश, क्या पता 30वें नंबर का क्वेश्चन बहुत आसान हो। तो स्किप करना है, जहां लगे कि नहीं हो रहा तुरंत स्किप करो, आगे बढ़ो। और एक चीज़ और करनी है, 1 to 35 आप पहुंच गए, या इंग्लिश की बात कर लो 1 to 30 पहुंच गए, आपके पास इसके बाद 3 मिनट का टाइम और बचना चाहिए, दोबारा 30 के बाद क्वेश्चन नंबर 1 पे आ पाओ और फटाफट स्किप करके आगे बढ़ पाओ कि कोई ऐसा क्वेश्चन बचा तो नहीं जो मुझे आता है। ये 2-3 चीज़ें हैं, स्किप करना, ठीक है। और एक पेपर को आपको एटलीस्ट 2 बार एनालाइज करना है, 1 to 35 पहुंच गए रीजनिंग में, दोबारा से जो क्वेश्चन आपने स्किप करे हैं दोबारा उनको एक बार आके देखो, ठीक है। तो ये है कि आपको प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन अटेम्प्ट कैसे करना है, बेसिक स्टेप्स एंड बेसिक नेसेसिटीज यही हैं किसी भी एग्जामिनेशन की। और बस यही याद रखना है, उनको केवल आपकी स्पीड मैटर करती है, उन्हें कुछ मैटर नहीं करता। आपको स्पीड से पेपर अटेम्प्ट करना आ गया तो बहुत आपके लिए फायदेमंद रहेगा, क्योंकि पेपर से आप अटेम्प्ट कर लेंगे, आपको 1 घंटे की जगह 1.5 घंटा मिले ना, बच्चे 100 में से 90-95 आराम से ले आएंगे। सबको सब कुछ आता है, मेन चीज़ है स्पीड और एक्यूरेसी और पेपर को अटेम्प्ट करने का तरीका, व्हाट इज द सीक्वेंस, ये सीक्वेंस बहुत मैटर करता है, ठीक है। एक स्पेशल वीडियो मैं बनाऊंगा इंग्लिश के लिए कि इंग्लिश में कैसे आप मार्क्स बूस्ट कर सकते हैं, क्योंकि अगर मैं अपनी बात करूँ, मेरे 4-5 गवर्नमेंट एग्जाम्स क्लियर हुए, केवल 2 रीजन्स हैं, 1 इज करंट अफेयर्स,
सेकंड इज जनरल अवेयरनेस, थर्ड इज इंग्लिश. इन तीन चीज के बेस पर हुए हैं ये, बहुत स्कोरिंग टॉपिक्स होते हैं. ठीक है, तो आई विल मेक अ स्पेशल वीडियो फॉर इंग्लिश. टिल देन हैव अ नाइस डे, गुड डे, बाय.